हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो कैट वर्कशॉप चैनल। इस ऑटो कैट के ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको एक कंपास क्रिएट करना है ऑटो कैड में और उसके बाद उस कंपास को आप अपनी ड्राइंग में इंसर्ट कराना चाहते हो, प्लेस कराना चाहते हो, तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें कैड वर्कशॉप चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो यहाँ पे मैंने ऑटोकैड ओपन कर लिया है। ये मेरा वर्किंग एनवायरनमेंट है तो मैं ग्रिड्स यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। मैं ऐसे ही प्रेफर करता हूँ काम करना। बाकी आपके ऊपर है, आप ग्रिड्स को चाहो ऑन करके चलो चाहे ऑफ करके चलो। F7 वैसे बाय द वे इसकी शॉर्ट की होती है, F7 से आप ऑन ऑफ इसको कर सकते हो। सो यहाँ पे हमें कंपास क्रिएट करना है, तो कंपास क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं। सेंटर रेडियस, यहाँ पे सर्कल का ऑप्शन पे क्लिक किया, सेंटर रेडियस पे मैंने क्लिक किया और कहीं भी एक हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट दे दिया। ठीक है, सेंटर पॉइंट देने के बाद हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई भी रेडियस ले लेते हैं, क्योंकि बाद में जब हम इंसर्ट कराएंगे तो उसको अपने अकॉर्डिंग हम स्केल कर लेंगे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ उसको। यहाँ पे सर्कल सेंटर रेडियस और 50 रेडियस का मैंने यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर लिया इस तरह से। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे सर्कल लिया सेंटर रेडियस और एक और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से सर्कल क्रिएट कर लीजिए, मान लीजिए अप्रोक्स 40। ओके, सो ये चीज हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे लाइन कमांड लेना है। लाइन कमांड मैंने लिया और यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया। जैसे आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे क्लिक करो, देखो लाइन आपके यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो गई और मैं यहाँ पे टॉप पे आके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, एक लाइन मेरी यहाँ पे क्रिएट हो गई। इसके बाद मैं यहाँ पे एरे कमांड का यूज करूंगा। तो एरे का कमांड यहाँ पे देखिए इस तरह मिल जाएगा, जो कि आपका पोलर एरे। पोलर एरे ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, फिर ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया और सेंटर पॉइंट के अलावा मुझे इसको रोटेट कराना है। सेंटर पॉइंट में आगे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आपके इस तरह से रोटेट हो गया। अब यहाँ पे ऊपर आएगा आपका आइटम्स, तो आइटम्स यहाँ पे आपको कितने चाहिए, मैंने कहा आइटम्स आपको चाहिए 8 चाहिए आपको यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपका नॉर्थ साउथ इस तरह से हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इसको मैंने कर दिया क्लोज। क्लोज करने के बाद अगेन यहाँ पे मैं लाइन कमांड लूंगा और यहाँ से कुछ रैंडमली यहाँ पे इस तरह से मैंने एक लाइन क्रिएट कर ली। इसको आपने सेलेक्ट किया, मिरर कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकेंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो। फिर इन दोनों लाइंस को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद पोलर एरे अगेन मैंने लिया, सेंटर पॉइंट, और इस बार नंबर ऑफ आइटम्स मेरे कितने रहेंगे, 4, और मैंने एरे को कर दिया क्लोज। ओके, 4 करने के बाद एरे को मैं क्लोज कर दूंगा। फिर अगेन मैंने लाइन कमांड लिया और यहाँ से यहाँ तक मैंने कुछ लाइन बनाई, इसको सेलेक्ट किया, एम आई एंटर, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकेंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो, इसको सेलेक्ट करिए और इसको सेलेक्ट करिए। मेर आपका रोटेट, सॉरी पोलर एरे, पोलर एरे लिया मैंने, सेंटर पॉइंट पे मैंने क्लिक किया और नंबर ऑफ आइटम्स कितने चाहिए आपको, 4। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ आइटम्स मैंने 4 यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे एरे को कर दिया मैंने क्लोज। अब यहाँ पे जो सर्कल आपने क्रिएट किए थे, आप चाहो तो इसको डिलीट कर दो या चाहो तो आप रखे रहो, उससे कोई मतलब नहीं। फिर ट्रिम कमांड का यूज करेंगे, TR डबल इंटर, और यहाँ पे एक एक करके वाली लाइन कर देंगे ट्रिम कर देंगे। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पे देखो आप जाओगे सिंगल लाइन टेक्स्ट मैंने लिया, या फिर इसकी शॉर्ट की होती है DT एंटर। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपने कुछ इसकी हाइट दे दी, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये हमने यहाँ पे एक क्लिक यहाँ पे किया, एक क्लिक यहाँ पे कर दिया, तो एक रैंडमली यहाँ पे हाइट ही ले लेगा। ठीक है, और रोटेशन दे दिया मैंने 0। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, मैंने कहा नॉर्थ, तो कैप्स लॉक ऑन करके यहाँ पे N मैंने टाइप कर दिया और इस चीज को मैंने थोड़ा सा नीचे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। ओके, नीचे सेट हो गई। फिर इसको मैं एन को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद अगेन मैंने इसमें लिया पोलर एरे और सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक किया और नंबर ऑफ आइटम्स मुझे कितने चाहिए, 8। ठीक है, फिर यहाँ पे रोटेट आइटम का ऑप्शन आ रहा है, इस रोटेट आइटम को हम कर देंगे ऑफ और इसको हम कर देंगे क्लोज। ठीक है, अभी ऊपर नॉर्थ है, अभी इसको एडिट करना है, मुझे करना है इसको साउथ, तो इस पर डबल क्लिक करिए और साउथ, नॉर्थ साउथ, ये है आपका ईस्ट, इस पर डबल क्लिक करिए, ये है आपका वेस्ट। ठीक है, फिर ये आपका क्या है, नॉर्थ वेस्ट, ये आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या है, साउथ ईस्ट, एंड ये क्या है आपका, साउथ वेस्ट। ओके, बाकी ये चीज आप अगर एडजस्ट करना चाहते हो तो इसको आप कर लो कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल और एरो की से आप इसको इस तरह से मूव करा सकते हो।
राइट, सेलेक्ट किया कंट्रोल और एरो की से, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, फिर अगेन कंट्रोल एंड एरो की से मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। अब एक को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वन दबाता हूँ, इसका मैं साइज थोड़ा छोटा करूंगा, कंट्रोल वन दबा के यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपकी ओपन हो जाएंगी। सेलेक्ट किया है मैंने, कंट्रोल वन दबाया है और हाइट यहाँ पे मैं इसकी कर देता हूँ, मान लीजिए अप्रोक्स 5, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे साइज छोटा हो जाएगा इसका, देखिए इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी एम ए एंटर, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको, और फिर इसको, तो इस तरह से मैंने इसको मैच करा दिया। ओके, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने हैच कमांड लिया और हैच कमांड से मैंने यहाँ पे सॉलिड हैच लिया और एक इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, फिर सेम इसी तरह यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे सिंपली क्लोज। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये कंप्लीट, देखिए इस तरह से आपका कंपस क्रिएट होके तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग में आपको यहाँ पे इसको इंसर्ट कराना है, तो मल्टीपल तरीके हैं, मैं यहाँ पे आपको सबसे जेन्युइन तरीका बताता हूँ, या तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि राइट ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं चलिए इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। सो राइट ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे शॉर्ट की होती है डब्ल्यू एंटर, डब्ल्यू एंटर किया, ऑब्जेक्ट पे देखिए यहाँ पे ऑन करिए, पिक पॉइंट, इस पॉइंट से मुझे सेंटर पॉइंट से पिक करना है, सेंटर पॉइंट ने क्लिक किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया मैंने इस तरह से और एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे रिटेन कन्वर्ट टू ब्लॉक डिलीट फ्रॉम ड्रॉइंग, आपके ऊपर जो मैंने, आप कर सकते हो, ठीक है। अगर इसको और डिटेल में देखना है तो मैंने यहाँ पे आपकी ट्यूटोरियल वीडियो पहले बना रखी है, उसको आप जरूर देखिएगा। फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन और यहाँ पे आपने क्लिक किया, कहाँ पे सेव करना है इसको, मैंने कहा डेस्कटॉप पे, इसको मैं COMPA कंपास नाम से सेव कर देता हूँ और ओके। तो ये यहाँ पे आपका ब्लॉक इस तरह से क्रिएट हो गया। अब आपको यहाँ पे ड्रॉइंग ओपन करनी है, जहाँ पे इसको इंसर्ट कराना है, ठीक है। ये आपने ड्रॉइंग ओपन कर ली, ड्रॉइंग को, कंपास को इंसर्ट कराने के लिए शॉर्ट की होती है आई एंटर, आई एंटर आपने किया, फिर यहाँ पे एक इंसर्ट का इस तरह से विंडो ओपन होके आएगी। यहाँ पे आपको जाना है ब्राउज पे, ब्राउज पे क्लिक किया आपने, डेस्कटॉप में जहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया रखा था, और यहाँ पे देखिए कंपास का ये आपने सेव किया था, ये आपको मिल जाएगा और इसको करेंगे ओपन और ओके, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि बहुत छोटा सा आ रहा है, तो अभी मैं इसको किस तरह से एडजस्ट करूंगा ये चीज देखिएगा आप। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से सिंपली क्लिक करके सेट कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे स्केल कमांड लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट रेफरेंस पे क्लिक किया, फिर यहाँ बेस पॉइंट से यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट है, तो एक क्लिक यहाँ पे किया, एक क्लिक यहाँ पे किया, जूम आउट किया और थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका ये इस तरह से बड़ा हो रहा है, ठीक है। अभी ये क्या स्नैप कर रहा है, तो हम यहाँ पे F3 दबा देते हैं जिससे कि आपकी स्नैपिंग ऑफ हो जाए, और ये चीज आप यहाँ पे देखो इस तरह से प्लेस कर दो, फिर F3 स्नैपिंग ऑफ। तो यहाँ पे देखिए आपका इस तरह से एक कंपस फिट हो गया। सो ये था यहाँ पे आपका पूरा एक पूरा प्रोसीजर जिसमें यहाँ पे हमने कंपस क्रिएट किया, ठीक है। कंपस क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे फिर इसको ब्लॉक में कन्वर्ट किया, ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे अपने ड्राइंग में उसको इंसर्ट करा लिया। सो यहाँ पे जो कमांड्स यूज हुए हैं, ये हमारा सिंपल पहले सर्कल कमांड का मैंने यूज किया है, सर्कल कमांड के यूज करने के बाद मैंने लाइन कमांड से एक लाइन क्रिएट की थी, लाइन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैंने पोलर एरे का यूज करके एक एक करके सबको एरे कराया है, फिर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का यूज किया है, फिर डबल क्लिक करके मैंने टेक्स्ट को एडिट किया है, फिर हैच कमांड का यूज करके मैंने यहाँ पे हैच कमांड किया है, फिर अगेन इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए मैंने डब्ल्यू एंटर किया था जिसको मैंने यहाँ पे राइट ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, और फिर यहाँ पे मैंने इसको इंसर्ट कराने के लिए आई एंटर से मैंने इसको इंसर्ट करा दिया। सो इस तरह से आप पूरा पूरा यहाँ पे ये पूरा प्रोसीजर था आपका कंपस और ड्राइंग में कंपस इंसर्ट कराने का। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आगे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए जिससे कि वो भी और ये सारी चीजें सीख सकें, और मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे।